हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का समय है तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो मैं जा रही थी, मतलब चाय वगैरह तो बन गया था, मैं पी भी चुकी हूँ, जा रही थी खाना बनाने तो एकदम से हो गया गैस ख़त्म। तो क्या करें, तो फिर छोटी वाला गैस में लेके आई, उसी पे अब खाना बन रहा है। आज मैं सोची थी जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा तो मैं कुछ काम कर लूँगी, लेकिन जितना भी सुबह जल्दी करो कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, लेकिन उतना ही लेट होता है। तो मैं चावल बैठा दी हूँ गैस पर, इधर मैं सब्जी काटने आ गई हूँ फटाफट। इसे मतलब तिरोई बनाएगा, तिरोई की भुजिया, तो मैं इसे दो तीन पानी अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं इसे लंबा लंबा करके काट लूँगी फटाफट। आज देवर जी को भूख भी लगी है तो क्या करें यार, टाइम तो लगेगा ही। आज एक चूल्हा है तो इधर डुग्गू भी बार बार आ रहा है, देख रहा है, कह रहा है मम्मी आज एक चूल्हा पे बन रहा है। मैंने बोली हाँ बेटा, एक चूल्हा पे बन रहा है। तो आप लोगों से बात करते करते मेरी सब्जी भी कट चुकी है और इधर मेरा चावल बन चुका था। तो मैं दाल धो के कुकर में रख दी हूँ ताकि जब तक दाल बन रहा है तो मेरी सब्जी कट के तैयार रहे। तो मेरा इधर दाल बन रहा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी कट गई। तो मैं सारे छिलके उठा के इसे कूड़े में डाल दूंगी। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। इधर मेरा सब्जी कट चुका है, इधर मेरा दाल भी बन चुका है साथ ही साथ। अब मैं फटाफट सब्जी बना लूँगी। और देवर जी को आज लगी है बड़ी तेज़, लेकिन एन मौके पर गैस ख़त्म हो गया तो क्या करें, दाल चावल बन गया, बस सब्जी बनने में ही टाइम है। तो मैं सब्जी का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि डुग्गू परेशान कर रहा था इसी वजह से। तो मैं फटाफट सब्जी छौंक के, तो मैं उसको डुग्गू को भूख लगी थी तो मैं खाना खिलाने चली गई थी। उस दिन मेरे को समय नहीं मिला तो मैं शूट नहीं कर पाई। मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ। ये मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, तो मैं सोची क्यों ना आप सभी से शेयर करूँ मैं फ्रिज कैसे साफ़ करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, आप सभी खुद ही देख लीजिए। तो मैं फटाफट सारा सामान निकाल के साइड में रख देती हूँ। ये फ्रिज चालू नहीं है कि इसी वजह से मैं इसमें कोई भी सामान रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्विच नहीं है तो ये यहाँ से फ्रिज कहीं और रखेंगे। तो मैं पहले साफ़ कर लूँगी, तब ये देवर जी के रूम में जाएगा फ्रिज, और वहीं पर स्विच है तो वहीं से कनेक्ट होगा तो तब चालू हो जाएगा फ्रिज। मतलब ये चालू नहीं है फिर भी ये गंदा होता रहता है, मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ फिर भी गंदा हो ही जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे सारा निकाल लेती हूँ धोने के लिए, निकाल के फिर फ्रीजर में से मैंने सारे निकाल लिए इसे। अब मैं जा रही हूँ इकट्ठा करके धोने, तो इसे मैं लेके जा रही हूँ नल के पास। तो मैं सारे इकट्ठा कर लेती हूँ और बाल्टी लगा दी हूँ टंकी चालू करके, ताकि बाल्टी जब तक भरता रहे। तो इधर मेरा बाल्टी भर गया तो मैं इधर लेके आ रही हूँ तो अपने पास। तो मैं इसे फटाफट से धो लेती हूँ जब तक, तो आप सभी बने रहिए। मैं अब आ गई फ्रीज़र साफ़ करने, तो इसमें थोड़ा सर्फ डाली हूँ और थोड़ा नींबू का रस, ताकि जो भी बदबू वगैरह है तो अच्छे से साफ़ हो जाए, महके नहीं। तो मैं अच्छे से पहले इसे
धो लेती हूँ साफ करके कपड़े से रगड़ रगड़ के। अब फिर दो तीन पानी अच्छे से फिर पोछूंगी, या लास्ट में अच्छे कपड़े से मतलब सूखे कपड़े से इसे पोछ लेंगे। तो पहले मैं इसे धो रही हूँ सरफ के पानी से, चारों तरफ से कोने कोने में से ये पता नहीं क्या निकल गया है। तो फिर इसको मैं उसी साइड में घुसा दूंगी जो भी होगा। तो मैं जब तक मैं फटाफट से धो लेती हूँ, इधर डुगू जग चुका है, रो रहा है। फ्रीज़र में बहुत जल्दी गंदगी चिपक जाती है, तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है कोने कोने में। तो इसे मेरे को चमकाना है, धो साफ़ करके बिल्कुल नया करना है इसे साफ़ करके। तो आप सभी बने रहिएगा, और ये मैं सीख हो चाहे ब्रश हो कोई भी चीज़ ले लें, और ये जो साइड साइड में घुस जाता है गंदगी, तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। तो मैं ये सीख का झाड़ू ली हूँ, तो मेरे को जो मिला मैं फटाफट से लेके आ गया, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। आप सभी भी मतलब ब्रश से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी से आप सभी ये साइड साइड में जो गंदगी जम जाती है। तो ये देखिए कितना गंदा पानी निकला है फर्स्ट टाइम में। तो अब मैं दूसरा पानी चेंज करके लाई हूँ, अब दूसरी बार मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से रगड़ रगड़ के। फ्रीजर बिल्कुल नया हो चुका है, मैं चारों तरफ से अच्छे से पोंछ के सूखे कपड़े से भी पोंछ ली हूँ, गीलापन कहीं नहीं है। और इधर मेरा ये जो भी धो कर रखी थी तो सारे पानी सूख चुका है, गल चुका है। तब मैं इसे लगा देती हूँ फ्रीज़र में। तो आप सभी बने रहिए, अब मेरा फ्रीज़र बिल्कुल नया चमक रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप सभी खुद ही देख लीजिए पहले कैसे था, अब कैसा हो गया है, साफ़ हो गया है, तो कितना सुंदर लग रहा है। तो अब देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे से रिलेटिव वीडियो या व्लॉग आप तक पहले पहुंचे। आइए देखिए दोस्तों, मैं किचन के लिए कुछ मंगवाई हूँ, तो जब मैं इसे लगाऊंगी तब आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये इसके पापा खोल रहे हैं कि सामान सही आया है कि नहीं आया है। तो इसे मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, तो इसे जब मैं लगाऊंगी तो आप सभी देखिएगा खुद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।